गुड आफ्टरनून. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड. इसमें किस टिश्यू की बात की जा रही है? इसमें हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के बारे में. तो इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया. नाउ लेट अस मूव. ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड. और इसके लिए हमारी बॉडी ने डिज़ाइन किया है कि ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स. ठीक है. इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन. तो ठीक है, एक बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन फिटेड है और फ्लूइड फिल्ड है वो, ताकि फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर सके. If you run your hand down in the middle of your back, you feel a hard bumpy structure. और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है vertebral column. और vertebral column और backbone जो कि protect करता है हमारे spinal cord को. तो ये दो bony box and vertebral column के बारे में हम लोगों ने जान लिया. और यहाँ पे ये fluid filled balloon के बारे में समझ गए कि दो protection है हमारे brain को और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी को बैकबोन भी बोलते हैं. नाउ लेट अस मूव फर्दर. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? नर्वस टिश्यू एक्ट कैसे करता है? अब जैसे सिग्नल्स जा रहा है, तो सिग्नल तो चला गया, लेकिन उसके बाद अब रियल एक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे अब हम लोग. तो ये देखो यहाँ पे. सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन. टिश्यू के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, sends it around body, processes information and makes decision based on जो information आया, और उसके बाद से उस decision को pass on करता है muscle को for action. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue जो है वो हमारा final job करता है. ठीक है. So how do animal muscle move? Movement कैसे हो रहा है उसका? When nerve impulse reach the muscle fiber must move. अब यहाँ से मेरे को सिग्नल आया कि अब अपना हाथ उठाओ, तो सिग्नल आने के बाद मसल फाइबर में मूवमेंट होना चाहिए ना, तभी तो अब हाथ उठेगा. या हाथ को टाइट करेंगे या लूज करेंगे, कुछ इस तरह का एक्शन होगा. सो वेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव. सो हाउ डज ए मसल सेल मूव? कैसे मूव करता है मसल सेल? The simple notion of movement at cellular level is that muscle cell will move by changing shape. Muscle cell जो है वो shape change करेगा. अब जैसे ये muscle है, ये short हो गया, तो इस तरह से जब बहुत सारे cells एक synchronized way में act करेंगे, shrink होंगे, तो movement होगा. So the simple notion of movement at cellular level is that muscle cells move by changing the shape. So that they shorten. So the next question is how do they change the shape? ठीक है. The answer lies in the chemistry of cellular components. Muscle cell have special proteins. ये देखो important चीज़ है ये. Muscle cell का shape change होने का कारण अभी समझ रहे हैं हम लोग. देखिए ये जो paragraph था इसमें आया protection की बात. अब आ रहे हैं हम लोग कि muscle कैसे move करता है. तो move करने के लिए उसने बोला कि उसको शेप चेंज करना होगा. अब शेप चेंज कैसे होगा उसके लिए बात आई कि केमिकल्स के थ्रू शेप चेंज होगा. और केमिकल्स के बाद अब बात कर रहे हैं कि एक स्पेशल प्रोटीन है. तो चीज़ों को कोरिलेट करो. एक पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया, इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया है कि मोशन कैसे हो रहा है मसल का जब उसको सिग्नल पहुँचता है, तो जब उसको इम्पल्स पहुँचता है. तो यहाँ पर देखिए, मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड अरेंजमेंट. ऐसे है वो अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा और शेप चेंज हो जाएगा. तो समझ गए ना शेप और अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब. सो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. एंड व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन गिव द मसल अ शॉर्टर फॉर्म. ठीक है. तो ये स्पेशल प्रोटीन है और ये स्पेशल प्रोटीन जो है ये चेंज करते हैं अपना शेप और अरेंजमेंट को.
इन द सेल इन रिस्पॉन्स, और उसके कारण क्या होता है दैट मसल सेल का शॉर्टर फॉर्म आ जाता है, छोटा हो जाता है. सो रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल सच एज एक था वॉलेंट्री एक है इनवॉलेंट्री मसल बेस्ड ऑन जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में ऊपर. तो अभी ये समझ गए कि कैसे मूव करता है. इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है इसमें, स्पेशल प्रोटीन होता है. स्पेशल प्रोटीन क्या करता है अपना शेप चेंज कर देता है और क्या चेंज करता है अपना अरेंजमेंट चेंज कर देता है. कहाँ पे है ये इनसाइड द मसल सेल है और इसके कारण क्या हो रहा है मसल सेल शॉर्टन हो रहा है. बस सिंपल चीज़ है. ये सेल्स टिश्यू ऑर्गेन ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए हर बात दिमाग में. जब कोई सेल बोल रहा है टिश्यू बोल रहा है ऑर्गेन बोल रहा है तो दिमाग में चलना चाहिए अच्छा हाँ वो उससे छोटे लेवल पे चला गया या वो उससे बड़े लेवल पे चला गया. तो इस चीज़ को ध्यान में रखो. अभी तक दो पैराग्राफ पढ़े इसका इंपॉर्टेंट अभी नोट्स बना रहे होंगे तो सिर्फ ये लिखना है यहाँ पे हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड. सबसे पहले बोनी स्कल उसके बाद फ्लूइड फील्ड बैलून दे फर्दर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है फिर लिखना वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. बस इस पैराग्राफ का यही नोट्स बन गया. फिर आओ यहाँ पे कि हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. इसमें इसमें सिंपल हमें करना है कि हमें शेप चेंज कराना है ओरिएंटेशन चेंज कराना है और किसका कराना है स्पेशल प्रोटीन का और स्पेशल प्रोटीन से क्या चेंज हो जाएगा सेल 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 विल बिकम शॉर्टर. बस सिंपल चीज है. अब आ जाते हैं हम लोग अगला मेन टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. देखो एनिमल्स के पास क्या है ब्रेन नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ये सब है. जा रहा है नर्व से सिग्नल आ रहा है उसको एक्ट करना है. सो एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. बट क्या प्लांट के पास ऐसा है प्लांट के पास ना तो नर्वस सिस्टम है और ना मसल है. तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है बोल रहा है कि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है और मसल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए तो वो गलत है. एनिमल्स के पास मसल है नर्वस सिस्टम है. सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या है व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुईमुई द सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ मिमोसा फैमिली दे बिगिन टू फोल्ड एंड ड्रूप. ठीक है. एंड व्हेन ए सीड जर्मिनेट रूट नीचे चला गया और स्टेम ऊपर आ गया तो क्या हुआ क्या फर्स्ट में क्या हुआ लीव्स जो था सेंसिटिव प्लांट का वो टच के रिस्पॉन्स किया क्विकली और अपने लीफ को फोल्ड कर लिया. एंड देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द प्लांट. तो अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ की बात आ रही है अब कि प्लांट में मूवमेंट किस कारण से होता था. प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो मूव कर रहा है ठीक है. तो वही वाली बात आ रही है कि जब इसको टच किया और इसने फोल्ड कर लिया अपने लीव्स को तो ये ग्रोथ के कारण तो हुआ नहीं है. ऑन द अदर हैंड जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट है रूट और शूट का जब हम बीज को सॉइल में डालते हैं तो मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ. वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. इफ उसको प्रिवेंट कर दो ग्रोथ को तो वो कोई ऐसा मूवमेंट शो नहीं करेगा. सो प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एक जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट है. कौन सा ग्रोथ पे डिपेंडेंट है वो सीड को जब प्लांट जमीन में डाला तो शूट ऊपर रूट नीचे तो ये चीज़ क्या है ये ग्रोथ से ही तो हमें मूवमेंट दिख रहा है ना. सेल डिवाइड हो रहा है ग्रो हो रहा है तो उससे हमें मूवमेंट दिख रहा है. लेकिन वो छुई मुई का पौधा जिसको मैंने टच किया और उसने लीव्स को फोल्ड कर लिया उस केस में उस इंस्टेंट पे वो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था उसने रिस्पॉन्स किया. तो यही बोल रहा है कि सो द प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट वन डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग. इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अब ये देखो ये क्या है इस टॉपिक में. तो अभी इस पैराग्राफ में समझ गए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के ये फर्स्ट दो पैराग्राफ में कि प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहा है तो सीधा लिखना है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ की बात और सबसे पहला ये प्लांट के मूवमेंट की बात. सबसे पहला ड्यू टू ग्रोथ ड्यू टू नॉन ग्रोथ. ग्रोथ में लिखो रूट शूट नॉन ग्रोथ में लिखो छुई मुई का प्लांट और उसका फैमिली का नाम भी याद रखिएगा. ठीक है क्या है फैमिली का नाम मिमोसा. जल्दी ही इसका भी टेस्ट होगा इस चैप्टर का
हर एक छोटी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से याद रखना है. नाउ लेट अस थिंक अबाउट फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट. ये क्या है? सच एज द दैट ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट. अब हम लोग ये छुई मुई वाले पौधे की बात कर रहे हैं. सिंस कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है इसमें, प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीफ इन रिस्पॉन्स टू टच. टच किया तो जल्दी से मूव करना है, बट कोई नर्वस टिश्यू तो है नहीं, कोई मसल भी नहीं है प्लांट के पास जो टच को डिटेक्ट करेगा. सो इसका लीफ जो है ये मूव कैसे करता है? तो अब यहाँ पे देखो, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली प्लांट इज टच्ड एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, ये अपेरेंट होगा कि मूवमेंट हैपन एट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. टच यहाँ पे करोगे, मूवमेंट तो सब हो रहा है ना. सो इन्फॉर्मेशन दैट इट टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ये समझ गए ना? यहाँ पे देखो, मैंने टच किया यहाँ पे, लेकिन ये पूरा पौधा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से दिख जाता है. तो जब यहाँ पे टच किया तो इसको कैसे पता चला कि कोई यहाँ टच किया है? तो इसका मतलब कुछ कम्युनिकेशन तो हुआ होगा ना, कि भाई जल्दी से पौधा अपना पत्ते को बंद करो, कोई टच कर दिया मेरे को. सो इन्फॉर्मेशन दैट टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अब इसके लिए क्या करेगा प्लांट? तो प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज हो रहा है, और ये सेल टू सेल जाता है. अनलाइक एनिमल, बट अनलाइक इन एनिमल देर इज़ नो स्पेशलाइज टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, हमारे पास तो नर्वस सिस्टम है. फाइनली अगेन, जैसा एनिमल में होता है कि सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू हैपन, इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज प्रोटीन जो कि एनिमल में पाया जाता है, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. तो एनिमल्स में अभी देख लिया हमने स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बारे में जो अभी डिस्कस कर रहे थे. अब यहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है, एक अंतर. तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है तो क्या है? यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पे वाटर के इनफ्लो और आउटफ्लो से श्रिंकिंग और स्वेलिंग होता है. एक एग्जाम्पल आप अपने मन में सोचिए और बोलिए जरा कि ऐसा कुछ पढ़ा है हमने पहले चैप्टर में. तो अब आओ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. अब ये क्या था? मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल केमिकल टच. यहाँ पे क्या था? स्टिमुलस के कारण जो मूवमेंट हो रहा था उसको डिस्कस किया. अब यहाँ पे ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट होगा वो डिस्कस करेंगे. ग्रोथ के कारण ये छुई मुई वाला पौधा था जिसमें लीव्स ने फोल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही टच किया. तो क्वेश्चन ये था कि मैं टच यहाँ पे करता हूँ, पत्ता पूरी जगह का मुड़ जाता है. तो पूरी जगह का जो पत्ता मुड़ रहा है, जब मैंने टच यहाँ पे किया और पूरी जगह का पत्ता मुड़ गया तो सिग्नल कैसे गया? तो वही वाली बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, चेंज होता है. सो नाउ अब लेट अस सी मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. और यहाँ पे ये भी बोला गया इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, तो इसको भी याद रखना है. अब आओ यहाँ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. सम प्लांट लाइक पी प्लांट क्लाइंब ऑन द अदर और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ अ टेंड्रिल. ठीक है, ऐसा गोल गोल सा देखे होंगे आप इस तरह का. सो टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच. अब क्या होगा वहाँ पे कि व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, जो टेंड्रिल का पार्ट कॉन्टैक्ट में है विद द ऑब्जेक्ट वो ग्रो रैपिडली नहीं करेगा, जो कि फ्री एंड पे है वो ग्रो करेगा रैपिडली. अब जैसे टेंड्रिल है यहाँ पे आया तो ये नहीं ग्रो करके ये ग्रो करने लगेगा, तो इसलिए कॉइलिंग हो जाता है इसका. तो यहाँ पे बस यही याद रखना है कि टेंड्रिल जो है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के टच में आ जाता है तो उसको टेंड्रिल को लगता है अच्छा अब स्टिमुलस आ गया, मतलब यहाँ पे ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होगा. यहाँ पे ग्रोथ जो कि दूर पे है और जो कि किसी बॉडी के ऑब्जेक्ट के टच में नहीं है तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा. तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. वही वो फेंसेस वाली बात. दिस कॉजेस टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, दस वो चिपक जाता है घूम के. सो मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ग्रोथ ही हो रहा है ना इसमें प्लांट में. प्लांट तो क्या होगा? ग्रोथ ही होगा. अब कुछ स्टिमुलाई दे दो तो इधर की जगह उधर मुड़ जाएगा, उधर की जगह इधर मुड़ जाएगा. तो यहीं पे टेंड्रिल में कॉइलिंग हो गई. तो एक ग्रोथ में टेंड्रिल वाला एग्जांपल याद रखिएगा हमेशा.
अब बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, हमें ऐसा लगता है कि अच्छा प्लांट मूव कर गया, पर हो रहा है सिंपल ग्रोथ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. अभी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है तो प्लांट इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, और ग्रोथ यहाँ पे रूट का डाउनवर्ड होगा ग्रेविटी को लेके. तो ये इधर एक्टिविटी दी हुई है, इसको रीड कर लीजिए, काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है ये. अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ग्रेविटी नीचे है तो ये नीचे आएगा रूट. तो ये ग्रेविटी रोल प्ले कर रही है. सो प्लांट शोइंग जियोट्रॉफिज्म, ठीक है. अब आओ, जैसे इन्वायरमेंट ट्रिगर्स सच एज लाइट. इन्वायरमेंट में क्या है, एक लाइट है, एक ग्रेविटी है हमारे पास, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल हमें दिख जाता है कि अच्छा ये इधर मुड़ गया उधर मुड़ गया. सो दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन आइदर बी टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है. जैसे टुवर्ड द ग्रेविटी, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट. सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट while root respond by bending away from it. How does this help the plant? ये कैसे plant को मदद करता है? तो ये plant को मदद कर रहा है ना, photosynthesis के लिए मदद कर रहा है, और root जो है वो water absorption के लिए. अगर root ऊपर की तरफ आने लगेगा तो root को soil से कैसे contact होगा? So plant show tropism in response to other stimuli as well. जैसे कि root of the plant always grow downward while the shoot usually grow upward away from the earth. और ये upward or downward growth of root and shoot in response to gravity is known as geotropism. अब ये geotropism का definition आपको याद रखना है. ये geotropism बोलता क्या है, ये geotropism ये बोल रहा है कि root का movement toward the gravity और shoots का movement away from the gravity, ये क्या है, ये plant का response है towards the stimuli, और stimuli क्या है, gravity है, और इसके कारण ये move कर रहा है. So, if hydro means water, chemo means chemical, then hydrotropism और chemotropism क्या होगा? ये वही होगा, किसी पानी के contact में आ गए, या पानी अगर वहाँ पे है तो उस तरह से movement हो गए toward या away, या chemical के कारण होगा तो जहाँ पे chemical ज़्यादा है वहाँ पे कम movement, जहाँ पे chemical कम है वहाँ ज़्यादा movement, या vice versa, opposite भी हो सकता है. So, ये बोल रहा है कि hydrotropism का example और chemotropism का example. So, can we think of example of this kind of directional growth? One example of chemotropism is the pollen tube का growth, ठीक है, pollen tube का growth toward the ovule flower में, about which जो कि हम लोग reproductive processes of living organism chapter आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग. So now let us once again think about the how information is communicated in the body of a multicellular organism. Information की communication की बात. तो अब देखो इस paragraph तक क्या theme चल रहा था, प्लांट का चल रहा था, जियोट्रॉपिज्म के बारे में बात कर रहे थे और केमोट्रॉपिज्म के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें पॉलन ट्यूब का एग्जांपल दिया. तो अब पॉलन ट्यूब किसका एग्जांपल है ये आपको याद रखना है. अगर कोई बोलेगा पॉलन ट्यूब जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है तो नहीं है वो, ठीक है. ये सब छोटी चीज़ों को याद रखो हर पैराग्राफ से, हर पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की थिंग्स टू रिमेंबर, इस तरह से एक पॉइंट लगा के कि अच्छा हाँ ये सब पॉइंट्स तो मेरे को याद रखना ही है. अब देखो, let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. Ab the movement of the sensitive plant in response to touch jo ki quick tha, aur movement of sunflower in response to day or night is quite slow. Growth related movement of plant will be even slower. To plant mein hi movement ki baat hum log kar liye, ek ki fatafat ho raha hai, touch kiya aur move kar gaya. एक सनफ्लावर जो कि सूरज की तरफ जाता है, मूव करता है, और एक जो ग्रोथ से मूवमेंट होता है, तो ये बहुत स्लोएस्ट है. सो इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ. ऐसा तो नहीं है हम लोगों का कि जो फिंगर्स है वो कहीं और ग्रो करने लगेगा, कुछ होने लगेगा. जैसे आवर आर्म्स एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, हैफजार्डली नहीं. सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट. समझ गए, ऐसा नहीं कि इस कंट्रोल्ड मूवमेंट सिर्फ स्लो ही होगा, फास्ट भी होगा. ये फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन को जल्दी से ट्रांसफर करना होगा. इसके लिए मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि मूव करा सके जल्दी से. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर द एक्सेलेंट मीन्स फॉर दिस. जो हम लोग बात करते आ रहे हैं इस चैप्टर में भी कि
सिग्नल जा रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट जैसा छोटा सा इंपल्स जा रहा है. सो बट देयर आर लिमिटेशन टू दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स. कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स देखो कहाँ कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ पे उसको सिस्टम होगा ले जाने का, स्पेशलाइज चीज़ें होंगी कि हाँ यहाँ पे आ जाओ. जैसे इलेक्ट्रिकल करंट कहाँ तक जाता है, जहाँ जहाँ तार होता है, हर जगह तो बिजली नहीं है. अब उसी तरह बॉडी है, बॉडी में जहाँ जहाँ तार गई होगी वहीं वहीं सिग्नल जाएगा ना, लेकिन मेरे पूरे बॉडी को मूव करना होता है और रिएक्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ होगा फिर, चलो आगे देखते हैं. सो फर्स्ट दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू. जिसमें कनेक्शन होगा वहीं तक जाएगा सिग्नल. फिर नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, तो सब तक तो पहुंचा नहीं है सेल का कनेक्शन. सेकेंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, तो जनरेटेड इन सेल एंड ट्रांसमिटेड, सेल विल टेक सम टाइम टू. अब एक सिग्नल गया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से दूसरा सिग्नल ये तुरंत एकदम जाता रहेगा, ये जाएगा, ये फिर नॉर्मल होगा, फिर ये चेंज होगा, फिर नया सिग्नल जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा, सम टाइम टू रीसेट बिफोर इट जनरेट एंड ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्स. तो इन अदर वर्ड सेल कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो ये ट्रू फॉल्स के लिए समझ लीजिए आप. हमें ऐसा लगेगा, दिमाग में सोच सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जल्दी से चेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन एकदम इंस्टेंटली कुछ नहीं होता है, टाइम चाहिए इसके लिए. सो इट इज दस नो वंडर दैट ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स के लिए केमिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब आते हैं केमिकल कम्युनिकेशन. तो आगे कुछ बोला होगा इसमें, अब देखते हैं क्या है. इफ, तो इस पैराग्राफ का सेंट्रल थीम क्या है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज गुड और फास्ट, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हर जगह नहीं है, इसलिए सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं. बस, तो हर एक पैराग्राफ का कुछ सेंट्रल आइडिया को हमेशा ध्यान में रखना है. अब देखो यहाँ पे, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, और ये केमिकल कंपाउंड रिलीज हो गया और ये फिर दूसरे सेल्स में जाएगा, तो अब देखो सिग्नल आया, सिग्नल ने केमिकल कंपाउंड को प्रोड्यूस किया और केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस होकर अगल बगल के सेल में चला गया, तो उसको पता चल गया सारे सेल को कि अच्छा यहाँ पे कुछ हो गया है, तो अब मेरे को एक्ट करना पड़ेगा. इन अदर सेल अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग ए स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस. तो वही है, केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करेगा पहले, देन दे वुड एबल टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा ये इन केमिकल आया है, ऐसा आया है, इतने अमाउंट में आया है, तो मुझे इस तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा. ये लेकिन ये स्लोअर होगा, लेकिन इसका पहुंच हर जगह होगा रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन. ठीक है, बिजली हर जगह नहीं पहुंच रही घर में, लेकिन अगर मैं पानी गिरा दूंगा तो पूरे घर में फैल जाएगा, तो वही वाला चीज है. लेकिन बिजली ऑन किया तो तुरंत पंखा चलता है, और पानी गिराऊंगा तो धीरे धीरे बहेगा, तो वही चीज हो गया तुम्हारा इम्पल्स में और केमिकल वाले में. ठीक है, इस चीज को याद रखिए कि कौन तेज है कौन स्लो है, लेकिन उसको स्टेडली एंड परसिस्टेंटली किया जा सकता है. किसके बारे में ये बात हो रही है, केमिकल के बारे में. दिस कंपाउंड और हार्मोन यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं, हार्मोन्स हैं. सो एज वी वुड एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. तो ये चीज डिफरेंट प्लांट हार्मोन की बात की जा रही है, ये कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स. दे आर सिंथेसाइज एट ए प्लेसेस अवे वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज इन द एरिया ऑफ एक्शन. समझ गए हार्मोन्स के बारे में, याद रहेगा ये डेफिनेशन हार्मोन्स का, और ये कहाँ पे है, सिंथेसिस प्लेस अवे होता है और डिफ्यूज करके जाते हैं जहाँ पे एक्शन होना है. अब आओ यहाँ पे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक है व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, तो एक हार्मोन है, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, ऑक्सिन. तो इसको याद रखना है, ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप. शूट टिप पे ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है, हेल्प सेल टू ग्रो लॉन्गर. एंड व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन जो है वो डिफ्यूजेस टूवर्ड. तो अब इधर प्लांट से लाइट आ रही है, तो ऑक्सिन यहाँ पे चला आएगा. ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पे आ गया, प्लांट का लाइट इधर.
अब जहां पे ऑक्सिन चला गया, द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर. अब जहां पे ऑक्सिन चला गया वो सेल लॉन्गर ग्रो करेगा. अब देखो एक यहाँ पे एक सिंपल फंडा है कि प्लांट क्यों लाइट की तरफ जाता है. अब जैसे देखो एक रॉड है, इस रॉड पे दो टायर लगा दिया. अगर ये दो टायर बराबर चलेगा तो सीधा जाएगा, अगर ये स्लो चलेगा और ये तेजी से चलेगा तो ये मुड़ जाएगा इधर, ठीक है. तो उसी तरह प्लांट के अगर शेडी साइड में ऑक्सीजन चला गया तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा और जहाँ पे लाइट आ रही है वो कम ग्रो करेगा. तो बताओ ये प्लांट किधर मुड़ गया, लाइट की तरफ मुड़ गया, ठीक है. तो ये समझ में आया सबको. तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसलिए प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड द लाइट. ये देखो एक रॉड था दो टायर, दोनों को कांस्टेंट घुमाओगे तो सीधा जाएगा, एक को ज़्यादा घुमा दोगे तो मुड़ जाएगा ना. तो वही यहाँ पे हुआ, ये ज़्यादा ग्रो करके तो टुवर्ड लाइट चला गया. और ज़्यादा ग्रो कब करेगा, जब ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होगा. और ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा होगा, जो कि शेडी रीजन होगा, मतलब जो कि अवे फ्रॉम द लाइट साइड होगी. जैसे ये प्लांट है और यहाँ सूरज है, तो ये टुवर्ड द लाइट है और ये अवे फ्रॉम द लाइट है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो ये ग्रो ज़्यादा करेगा, ये कम ग्रो करेगा तो यहाँ पे मुड़ गया, तो ये लाइट की तरफ मुड़ गया. बस अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन जो है वो है गिबरलिंस, विच लाइक ऑक्सिन ये भी ग्रोथ ऑफ स्टेम को हेल्प करता है. अब एक और क्या है, साइटोकाइनिंस. ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. एंड इट इज नेचुरल दैट सेल डिवीजन होना है तो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में ये लोग पाए जाएंगे. कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सेल डिवीजन. और वो कहाँ पे होता है, फ्रूट्स में, सीड्स में. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन एंड हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ. बट प्लांट ऑल्सो नीड स्टॉप ग्रो सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. इसके लिए एब्सिसिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है और विल्टिंग ऑफ लीव. तो अब यहाँ तक आज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स इन एनिमल्स करेंगे.